हाय फ्रेंड्स, मैं आरती। ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये आपका जो वीडियो है ये आपका वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव एमसीक्यू है, क्योंकि मैंने कहा था कि एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ आपके लिए एमसीक्यू के लिए। और जो सी टेट है, यूपी टेट है, एमपी टेट और वेमपी टेट में वर्ग दो का जो एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए और डीरड वालों के लिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं, क्योंकि या तो ऑलरेडी आप पढ़ ही चुके हैं, इसकी थ्योरी भी डाल चुकी हूँ, वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसके एमसीक्यू आज ले लेते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं वीडियो। लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए, और अनअकैडमी में हमें आप फॉलो कर लीजिए। तो हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं, जो माता पिता से संतानों को गुण प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वंश, वंशानुक्रम, वातावरण या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका वंशानुक्रम। ठीक है ना, जो जनरेशन बाय जनरेशन जो भी चीज़ें बच्चों को मिलती हैं अपने पूर्वजों से, अपने पेरेंट्स से, दादा दादी से, ठीक है ना, वो वंशानुक्रम के अंतर्गत आएगा। वंश वर नहीं होगा, वंशानुक्रम, जो वंश से एक वंश से दूसरे वंश में क्रम से चलता है, ठीक है ना, तो वंशानुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अनुवांशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं, अनुवांशिकता के मूल संवाहक, यानी संवाहक का मतलब होता है जो ले जाते हैं, ठीक है ना। तो अनुवांशिकता के मूल संवाहक कौन है, प्रोटीन, विटामिन, जीन्स या कार्बोहाइड्रेट। वेरी इजी क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका राइट आंसर जीन्स होगा, ठीक है ना। अनुवांशिकता के जो मूल संवाहक होते हैं जीन्स होते हैं, जो जनरेशन बाय जनरेशन एक वंश से दूसरे वंश में, यही जीन्स की वजह से ही जो भी प्रभाव होता है या जो भी गुण अवगुण होते हैं बच्चों में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, निम्न में से किसका कथन है, किसने कहा है कि जो वंशानुक्रम है व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो बी एन झा है इन्होंने कहा है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। अब इसमें आपको बताना है ऐसा कौन सा प्रभाव है जो वंशानुक्रम के द्वारा नहीं आया है उसके ऊपर, ठीक है ना। तो शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि शारीरिक लक्षणों का प्रभाव भी वंशानुक्रम से होता है, बुद्धि पर भी प्रभाव वंशानुक्रम से होता है, और चरित्र पर भी, यानी जैसे उनके पूर्वज के वंश के वंश, यानी कि जो दादा दादी हैं या पेरेंट्स हैं, जैसे उनका फिजिकली शारीरिक लक्षण होते हैं, कोई बीमारियां हैं, कुछ गुण हैं, अवगुण हैं, वो सभी चीज़ें इसमें आती हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है, जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं उनका कौन सा इनमें से लक्षण नहीं है, यानी प्रत्येक नए परिवेश में श्रम को समायोजित कर लेना, मूर्त रूप से हमेशा सोच विचार करते रहना, और लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेना, या प्रभावपूर्ण तथा उचित तरीकों से संप्रेषण करना बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेना। ये यहाँ पे देखिए बात चल रही बुद्धिमान बच्चे को, जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं किसी चीज़ को रटते नहीं है, वो समझते हैं, आईक्यू तेज होने का, फास्ट होने का, बुद्धि लब्ध का यही मतलब होता है कि उसे रटा नहीं जाता, उसे समझा जाता, वो समझ के लिखते हैं। तो जो बच्चे किसी चीज़ को बहुत जल्दी रट लेते हैं तो वो बुद्धिमान की श्रेणी में नहीं आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ है लेकिन शरीर से काफ़ी कमजोर है, आप उसके पिता से, अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा, बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ है लेकिन शरीर से काफ़ी कमजोर है, आप उसके पिता से मिलते हैं तथा देखते हैं कि उसके पिता भी बुद्धि से तो श्रेष्ठ हैं लेकिन शरीर से वे भी कमजोर हैं, आपके उनका अनुसार इसका क्या कारण हो सकता है। अब देखिए, यही है यहाँ पे वंशानुगत, जो हम अनुवांशिक चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है ना, उनके घर में पौष्टिक खाना नहीं बनता है, या फिर दोनों पिछले कई वर्षों से बीमार हैं, या उनके वंशानुक्रम का प्रभाव है, इस विषय में कुछ ठीक से कहा नहीं जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यह उनके वंशानुक्रम का प्रभाव है, ठीक है ना।
दो जुड़वा बच्चों को अलग दो सॉरी दो जुड़वा बच्चों को दो अलग अलग स्थान पर रखा जाता है। एक स्थान पर जहाँ धर्म, संस्कृत, संस्कार आदि का वातावरण है, वहीं दूसरे स्थान पर अंधविश्वास और रूढ़िवाद का वातावरण है। बच्चों के बड़े होने पर उनके विचारों पर पड़ने वाला है वातावरणीय कारक होगा, वो कारक कौन सा होगा? तो देखिए, भौतिकी कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक या सांस्कृतिक कारक जो होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सांस्कृतिक कारक। ठीक है, सांस्कृतिक कारक क्यों होगा? क्योंकि देखिए, भौतिक जो संस्कृत संस्कार आदि का वातावरण एक घर में है, दूसरे घर में अंधविश्वास रूढ़िवाद का वातावरण है। लोग इसको भी संस्कृत से ही तो जोड़ते हैं ना, कहते हैं कि नहीं, हमारे संस्कृत में, हमारे मजहब में, हमारे धर्म में ऐसा लिखा है, ऐसा होता है। तो ये सब चीजें संस्कृत के अंतर्गत आती हैं, इसलिए सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है, आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। छात्र को रोज पीटेंगे जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देते, या फिर स्कूल से उसका नाम कटवाने के लिए प्राचार्य से कहेंगे, उनके वंशानुगत तथा वातावरण का पता लगाकर उनकी सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे, उनको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे। इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी, उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, ये ऐसा क्यों होगा? तो ये ऐसा इसलिए होगा कि क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है, यानी कि उसके वंशानुगत में, उसके जीन्स में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, उसकी जनरेशन में उसके पेरेंट्स या फिर उसके पहले के जो पूर्वज हैं उनमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जो उस बच्चे में आई हुई है। ठीक है, बालक क्या है, वह क्या कर सकता है, उसका विकास क्यों नहीं हो रहा है, आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व हैं वंशानुक्रम का, वातावरण का, या फिर वंशानुक्रम वातावरण दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, यानी ए एवं बी दोनों, वंशानुक्रम एवं वातावरण का। बालक क्या है, वह क्या कर सकता है, उसका विकास क्यों नहीं हो रहा है, आज सभी जो है वंशानुक्रम और वातावरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है, किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? किसी छात्र के यदि बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है आपको बताना है। तो अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करते हैं, आंतरिक कारक, बाह्य कारक, ए एवं बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका आंतरिक कारक। अच्छा, ये क्यों होगा? क्योंकि बौद्धिक विकास जो है ये भी आंतरिक कारक के अंतर्गत आता है, शारीरिक विकास भी आंतरिक कारक के अंतर्गत आता है, संवेगात्मक विकास भी आंतरिक कारक के अंतर्गत आता है। हमने आपको पढ़ाया, आपने पढ़ा है ना कि जो बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, तो दो मेन कारक होते हैं, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। फिर आंतरिक कारक में ये चीजें आती हैं और बाह्य कारक में जो आपका वातावरण हो गया, यानी पर्यावरण हो गया, ठीक है ना, और सामाजिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, ये भौतिक हो गया, ये सब चीजें जो होती है बाह्य से आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है, वातावरण को, सारी विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो जरूर देख लीजिएगा, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानियां हो सकती हैं? चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानियां हो सकती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, यानी व्यवहार कुशलता की अवहेलना होगी, जीविकोपार्जन में सहायता नहीं मिलती है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की अवहेलना हो सकती है, चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य, क्योंकि शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। अगर आप कह दें कि नहीं, शिक्षा के माध्यम से सिर्फ चरित्र बस का निर्माण करना है, तो ऐसा नहीं है, और क्या क्या हानियां हो सकती हैं अगर ऐसा आप स्वीकार कर लेंगे, तो उपरोक्त सभी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता? नियमित शिक्षा के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो देखिए, ये तो बहुत आसान है, और इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, जो धर्म है, स्कूल, पुस्तकालय, शिक्षण विधि सभी नियमित शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, धर्म जो है इसके अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी बच्चे के विकास का निर्धारण करने में संवेग एक महत्वपूर्ण आंतरिक कारक है। संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अब यहाँ पे आपको संवेग का शाब्दिक अर्थ बताना है, क्या मतलब है? तो
तो देखिए उत्तेजित जो दशा होती है वो संवेग कहलाता है ना। मुझे अपने संवेग पर काबू नहीं है और बहुत संवेग हो गया, बहुत उत्तेजित हो गया, ठीक है ना। तो जो उत्तेजित होने की दशा होती है वो संवेग कहलाती है। किस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है? बहुत ही इजी है और इम्पोर्टेंट भी ये क्वेश्चन है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। कौन सा सिद्धांत है? अनवरत का, अनवरत विकास का सिद्धांत, विकास की गति का सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, विकास का, विकास की गति का सिद्धांत, ठीक है ना। विकास की गति का जो सिद्धांत होता है इसमें जो भी अलग अलग तरह के जो व्यक्ति होते हैं उनमें विकास की गति भी भिन्न होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं? स्वयं में विभिन्न है प्रत्येक छात्र, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, वंशानुक्रम या फिर ये सभी? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, ये सभी। क्योंकि प्रत्येक छात्र स्वयं में भिन्न तभी होगा जब फिजिकली इन्वायरमेंट या फिर जो सोशल इन्वायरमेंट, सामाजिक वातावरण होता है या फिर वंशानुक्रम जो होता है, वो सभी चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं, ठीक है। आज बाल अपराध यानी बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और जिसके कारण वह शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं, आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? आपको बताना है दूषित वंशानुक्रम, दूषित वातावरण, टूटा परिवार या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना। बाल अपराध की घटनाएं इन सभी वजहों से भी बढ़ रही हैं क्योंकि दूषित वंशानुक्रम, जो उनके पेरेंट्स पहले के, जो उनके दादा दादी, उनकी जो जनरेशन रही होगी, बच्चे भी आगे की वही बनेंगे। दूषित वातावरण, इन्वायरमेंट भी कुछ ऐसा होता है और जो परिवार भी कुछ ऐसे होते हैं जिन जहाँ पे स्थिति, जिसे इकोनॉमिक स्टेटस जो बोलते हैं, वो सही नहीं होता है, तो बच्चे भी बाल अपराध करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं, आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? आपको ये बताना है। अब इनमें से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, अपने वेतन का ज्ञान, सहकर्मी की योग्यताओं का ज्ञान, उपरोक्त सभी का ज्ञान। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना, क्योंकि आप एक टीचर हैं और टीचर होने के नाते क्लास में हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग है, तो उन बच्चों की जो विभिन्नताएं होती हैं, कौन सा जो स्टूडेंट है किस चीज़ में अच्छा है और किस में सही नहीं है, ये आपको मालूम होना चाहिए, खास तौर पर अपनी क्लास में। यदि आप किसी नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं तो आप अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए छात्रों की पहचान हित निम्न में से किसे चुनेंगे? सभी छात्रों की पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे, सभी छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच करेंगे, सभी छात्रों की बाह्य विभिन्नताओं का पता लगाएंगे या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, सभी छात्रों की बाह्य विभिन्नताओं का पता लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वंशानुक्रम तथा वातावरण परस्पर हैं, वंशानुक्रम तथा वातावरण परस्पर है यानी एक दूसरे से है, किन चीज़ों पर निर्भर है? पूरक है या फिर सहयोगी है या फिर ये सभी? तो देखिए राइट आंसर डी होगा, ये होगा पूरक, नहीं पूरक होगा ये, ठीक है ना। तो निर्भर भी है एक दूसरे पे, पूरक भी है और सहयोगी भी है वातावरण तथा वंशानुक्रम। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं और आपकी कक्षा एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग रूप स्वभाव आदि में काफी विभिन्नताएं देखते हैं, इसका प्रमुख कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? वातावरणीय प्रभाव, विद्यालय में दोनों का शैक्षिक स्तर, आपकी शिक्षण विधि, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वातावरणीय प्रभाव। हमने पहले भी कहा था कि विभिन्नताएं जो होती, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, एक बच्चा दूसरे से जो अलग दिखता है क्योंकि इन्वायरमेंट का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। कोई बच्चे जम्मू कश्मीर से आता है, कोई साउथ से आ जाएगा या फिर कोई आप असम से आ जाता है, तो उनके फेस को देख के, उनके कलर को या उनकी लैंग्वेज, उनकी बोली को देख के हम समझ जाते हैं कि कहाँ का रहने वाला है। तो ये वातावरणीय प्रभाव होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आज का ये तो फ्रेंड्स ये थे आज का MCQ आपका, और जो आंसर है ये नीचे दिया हुआ है आपके PDF में ही है, तो प्लीज़ आप यहाँ से इसको भी देख लीजिएगा और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पार्ट सेकंड है, पार्ट फर्स्ट जो है मॉर्निंग में अपलोड कर दिया है, तो यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको वॉच कर लीजिए और अन अकेडमी में हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ भी आपको यहाँ से भी बेहतर और अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे, वहाँ पर आपको MCQ और थ्योरी भी मिलेगी। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।